हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका द हनी बी फार्मिंग के एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसे कि आपने अभी देख ही लिया होगा कि एक शानदार सी मैंने आपको क्लिप दिखाई जिसमें क्वीन बी क्वीन सेल से निकल रही थी। और मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ एक इतना अच्छा मोमेंट शेयर कर दूँ। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये क्वीनलेस कॉलोनी है, तो इसकी जो क्वीन थी वो कुछ दिनों पहले ही मर गई थी। तो मैं फिर आज अपने बॉक्स चेक कर रहा था तो मेरे को वही क्वीन सेल मिला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो उसमें से क्वीन निकलने ही वाली थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फटाफट ले लिया और सबसे पहले क्वीन के निकलने की क्लिप बनाई आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद मैं इस बॉक्स में आया और देखिए आप, जैसे कि मैंने क्वीन को छोड़ दिया इसी बॉक्स में, देख सकते हैं आप। और क्वीन ने आते ही एकदम शहद खाना शुरू करा जो मधुमक्खियों ने डाल रखा है यहाँ पर। तो अब इसके बाद जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि जो वर्कर बीज हैं क्या वो हमारी क्वीन को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं। तो हम भी वही चेक कर रहे थे सबसे पहले कि क्या हमारी जो वर्कर बीज हैं वो क्वीन को एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी। अगर वो रिजेक्ट करेंगी तो क्वीन को डेफिनेटली मारने की कोशिश करती हैं। क्वीन को मारने के लिए वो क्वीन को चारों तरफ से घेर लेती हैं और इवेंचुअली सफोकेट होके सफोकेशन से क्वीन की डेथ हो जाती है। तो हम वही चेक कर रहे थे अभी फ़िलहाल। इस वक्त जो क्वीन है वो फ़िलहाल खाना खा रही है, वो अभी अपने सेल से निकली है, तो ऑब्वियसली बात है उसको थोड़ी एनर्जी गेन करने के लिए खाना ज़रूरी होगा, तो फ़िलहाल वो अपनी फीडिंग करेगी। और बाय चांस अगर ऐसा होता है कि अगर वर्कर बीज क्वीन को एक्सेप्ट ना करें तो हमें फिर क्वीन को क्वीन केज में डालना पड़ेगा और फिर लगभग एक दिन हमको क्वीन केज में छोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, क्वीन की स्केंट और कॉलोनी की स्केंट जो है वो मैच हो जाती है एक दिन करीब करीब, और जो वर्कर बीज हैं फिर वो क्वीन को एक्सेप्ट करने लग जाती हैं। तो ऑलमोस्ट एक दिन के लिए फिर हमको क्वीन केज में डालना पड़ता, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने नोटिस किया कि जो वर्कर बीज थी उन्होंने क्वीन को एकदम एक्सेप्ट कर लिया। और अब इसके बाद हम बॉक्स बंद कर देंगे। इसके बाद क्या होता है, क्वीन उड़ने के बाद मेटिंग शुरू करती है। तो क्वीन को उड़ने में ऑलमोस्ट 6-7 दिन लग जाते हैं। तो 6-7 दिन के बीच में अगर मौसम सही हो तो क्वीन उड़ जाती है और उड़ते साथ ही ड्रोन के साथ मेटिंग कर लेती है और उसी के 2-3 दिन में एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल बात यह है कि जो हमारी ये न्यू क्वीन है ये एगलिंग के लिए 9-12 दिन लगा देगी। 9-12 दिन के अंदर अंदर एगलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर ऐसा कोई केस होता है जब हमारी कोई नया सॉम आ रहा है बाहर से और उसकी जो क्वीन है वो न्यू क्वीन है, तो वो क्वीन 2-3 दिन में मेटिंग स्टार्ट करती है। तो जब कोई नया सॉम आता है तो उस टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर अगर क्वीन मेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर क्वीन मेटेड ना हो तो उसे 3-4 दिन चाहिए होते हैं मेटिंग करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे क्वीन गेट नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा करने की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब कोई सॉम अगर बाहर से आया है और आपके घर के आसपास नहीं बैठा है और आपने उसको पकड़ के अपने बॉक्स में डाला है। तो मोस्टली ऐसे केस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको उनको रोकने के लिए क्वीन गेट लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्वीन मेटिंग नहीं कर पाएगी फिर। तो इसी के साथ हमने अपनी क्वीन को बॉक्स में डाल दिया और साथ साथ बॉक्स बंद भी कर दिया। और फिर हम कुछ दिनों बाद चेक करेंगे कि
क्वीन वर्किंग में आई है या नहीं आई है। 2000 years later. तो दोस्तों आज 10 दिन हो गए हैं हमारी क्वीन को नए बॉक्स में डाले हुए, और आज हम चेक करने वाले हैं कि क्वीन ने एगलिंग स्टार्ट करी कि नहीं करी, और पूरी कंडीशन चेक करेंगे बॉक्स की। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना काम कर रहे हैं वर्कर बीज क्वीन के आने के बाद, बट जब इनकी क्वीन मर गई थी तब ये एकदम इनएक्टिव हो गए थे, उस वक्त ये इतना काम नहीं कर रहे थे। और गाइज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अब आजकल बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू उस चीज़ के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। और इसी के साथ साथ अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में मैं जितने तरीके के भी हाइव यूज़ करता हूँ वो सारे दिखाने वाला हूँ, और उसमें एक जो हाइव है वो शायद ही कोई इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि वो हमने खुद ने इन्वेंट करा है और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का हाइव है। अगर आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि मतलब उसमें बनाने में इतनी बिल्कुल मेहनत नहीं है, और मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे से उसमें वर्किंग करती है। तो अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो का पक्का वेट कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और इसी के साथ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन ने हमारी एगलिंग डाल रखी है, और बहुत बढ़िया शानदार एगलिंग कर रखी है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि एक उन्होंने क्वीन सेल डालना भी शुरू कर दिया था जब इन पे क्वीन नहीं थी। तो अच्छा हुआ था कि मैंने क्वीन यहाँ पे डाल दी थी, नहीं तो फिर वो सब कुछ छोड़ के क्वीन बनाने में लग जाती और शायद बना भी पाती कि नहीं बना पाती, क्योंकि यहाँ पे लगभग सीज़न ख़त्म ही हो गए हैं। और इसी से यहाँ दिख रहा है कि हमारी क्वीन भी कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है, बट अब जैसे सीज़न ख़त्म हो चुका है तो अब इनको खाने की कमी हो चुकी है, तो अब मैं आज शाम को ही इनको फीडिंग कराऊंगा, जिसके बाद ये और ज़्यादा अच्छे से वर्किंग में आ जाएंगी और कॉलोनी ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि मैं एक वो वीडियो भी बनाऊं जिसमें ऑफ सीज़न में हनीबीज एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी वीडियो चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ्रेम में हमें हमारी क्वीन मिल गई, और कितनी अच्छे से वर्क कर रही है हमारी क्वीन, और मैं ये पॉइंट आउट भी कर रहा था क्वीन दिखाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप हमारी क्वीन को। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अगर आपके कॉलोनी में क्वीन मर चुकी है या क्वीनलेस कॉलोनी है तो आप एक नई क्वीन डाल सकते हैं, बट इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वर्कर भी इस क्वीन को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेंगी तो आपको क्वीन केज की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। पर अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि आपकी क्वीन को वर्कर बीज ने एक्सेप्ट करा नहीं करा, और बाय चांस क्वीन को अगर मार दिया और ख़ुद भी अगर क्वीन नहीं बना पाया तो आगे बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसको वर्कर लेइंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आ गई तो पूरी कॉलोनी ही ख़त्म हो जाएगी बीज की। और अगर आपको क्वीन केज चाहिए या फिर आपको बी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। अगर आपको बॉक्स तक चाहिए तो उस तक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, अमेज़ॉन से काफ़ी सस्ते में अच्छे बॉक्स मिल रहे हैं, तो शिपिंग वगैरह की भी आपको टेंशन नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन एक ट्रस्टेड साइट है। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिंक्स डाली हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब तू था अकेला संग खड़ा था तेरे कौन, गुमसुम क्यों रहता क्यों ये दिल दिमाग मौन, इंतजार मौत का ये मौत भी हासिल न हो जो साहिल, उम्मीदों के दे सपनों को क्यों रोन। जब तू था अकेला संग खड़ा था तेरे कौन, गुमसुम क्यों रहता क्यों ये दिल दिमाग मौन, इंतजार मौत का ये मौत भी हासिल न हो जो साहिल, उम्मीदों के दे सपनों को क्यों रोन। अतिक्रमण सी जिंदगी।